कसूर से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही नौजवानों पर तोहीन मजहब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना थेखम के गांव किलेवाला तहसील और जिला कसूर के रिहायशी गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा वल्द खुशी मोहम्मद डोगर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस इलाका के दो मसीहियों ताबिश और कालू पस्तान शाहिद मसीह और दो नामालूम नौजवान जाली नोटों और कागजों के छोटे छोटे टुकड़े करके किलेवाला गाँव की जानब रास्ते में फेंक रहे थे। तो इन टुकड़ों को फेंके जाने के बाद वहां के चंद लोगों इशफाक वल्द, भारे शाह, मनसब वल्द, मोहम्मद अरशद की मौजूदगी में इन जाली नोटों और कागजों के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया और बाद में चेक करने पर पता चला कि इन कागजों के टुकड़ों पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। इस तरह मसीही नौजवानों पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने जाली नोटों के साथ कागज पर लिखे हुए कुरानी आयात के टुकड़े फेंक कर कुरानी आयात की बेहरमती की है। इन मसीहियों ताबिश और कालू मसीह और दो नामालूम मसीहियों पर थाना शेखम कसूर में 295 बी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पास्टर सादिक हैं और मैं कुलेवाले का रहशी हूं और मेरा बेटा है आबद और उसका ऑपरेशन हुआ है और उसको भी रेस्ट किया गया है, घर से बुलाकर किया गया है और मेरे दामाद को भी, और उनका कोई लेना देना नहीं इस मामले के साथ और वो तो मेले में भी नहीं गया और ना ही हम मेले देखते हैं क्योंकि हम तो खुदा के खादिम हैं और वो मेरा बच्चा है, उसने दुआई भी खानी है, उसका प्रश्न हुआ है उसको भेज दें।